हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कंप्यूटर जीके से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, और ये हमारी इस सीरीज़ की दूसरी वीडियो है। और ये सभी प्रश्न आगामी SSSC, HPSC, HSSC, UPSI, बैंकिंग, रेलवे आदि सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो शुरू करते हैं। कंप्यूटर के रचना शिल्प में कौन सी विशेषताएँ नहीं पाई जाती हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, यह कम गति एवं अशुद्धता से काम करता है। कंप्यूटर के प्रमुख तकनीकी कार्य में रिक्त स्थान शामिल है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी, डाटा का संकलन तथा निवेशन, डाटा का संचयन, डाटा संसाधन तथा इन्फॉर्मेशन का निर्गमन। तो ये सभी तकनीकी कार्यों में शामिल होते हैं कंप्यूटर के। कंप्यूटर की क्षमता रिक्त स्थान है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, सीमित क्षमता होती है। कंप्यूटर के कार्य प्रणाली के मुख्य अवयव में कौन शामिल नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, इंटरनेट शामिल नहीं है। कंप्यूटर का नियंत्रक भाग क्या कहलाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। किसी व्यवस्था के कंप्यूटरीकरण करने में किसकी आवश्यकता होती है। तो हमें कुछ कथन दिए गए हैं, उसको करने में दृढ़ इच्छा शक्ति की, संबंधित वित्तीय संसाधनों की, जनशक्ति के प्रशिक्षण की, एक अत्याधुनिक रचना की। तो नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन करें। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, सभी चारों, सभी की जरूरत होती है। कंपेयर क्या है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, ALU का अर्थमेटिक कार्य। कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत क्या है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है, जो इनपुट आउटपुट और प्रोसेस, ये सभी कंप्यूटर के कार्य करने के सिद्धांत हैं। तो ऑप्शन डी, ये सभी। CPU का मुख्य घटक क्या है। CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, उसका मुख्य घटक क्या है। कंट्रोल यूनिट, मेमोरी, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी, ये सभी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के घटक हैं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को क्या कहते हैं। कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए, इनपुट। प्रोसेस्ड डाटा को क्या कहते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, आउटपुट कहते हैं। कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है। तो इनमें से कौन सा पार्ट है जो सामंजस्य स्थापित करता है। ऑप्शन बी, कंट्रोल यूनिट। CPU के कार्य हैं, तो इनमें से क्या क्या कार्य हैं वो हमें बताने हैं। इनपुट तथा आउटपुट डिवाइस को नियंत्रित करना, डाटा को तात्कालिक रूप से स्टोर करना, निर्देशों को पढ़ना और आदेश देना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी, ये सभी कार्य हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है। ऑप्शन बी, CPU के द्वारा। कंप्यूटर के भाग जो जोड़, घटा, गुणा, भाग तथा तुलनात्मक कार्य करता है, तो वह कौन सा भाग होता है, उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन ए, अर्थमेटिक और लॉजिकल यूनिट। आउटपुट क्या है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी, वह जो प्रोसेसर यूज़र को दे उसे हम आउटपुट कहते हैं। कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम क्या कहलाता है। ऑप्शन सी, आउटपुट कहलाता है। इन्फॉर्मेशन सिस्टम में अल्फा न्यूमेरिक डाटा सामान्यतः क्या रूप लेता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, नंबर और अल्फाबेटिकल करेक्टर। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में एक कंपोनेंट के रूप में निम्न में से कौन सा होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान कच्चे तथ्य या रॉ फैक्ट्स बताता है, जबकि रिक्त स्थान से डाटा अर्थपूर्ण बन जाता है।
तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, डाटा और सूचना। तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो में बात की कंप्यूटर जनरल इंट्रोडक्शन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, और ये आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और जल्द ही हाजिर होते हैं एक नए वीडियो के साथ, कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।